तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं टेक इन मिनट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन सितंबर मंथ। तो दोस्तों इस महीने लग चुकी है लाइन हर एक फोन, हर एक कंपनी, मोटरोला हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, एप्पल हो, कोई भी, इस बार सारी की सारी कंपनी बिल्कुल पीछे नहीं है और हर एक कंपनी अपना एक नया सा फोन आपके सामने लाने वाली है इसी सितंबर मंथ में। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास है ओको M2 Pro, जो कि मैंने पिछले हफ्ते ही इसको मंगवाया था और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं, आपको आई लिंक में मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करी थी मैंने गिव अवे की, तो दोस्तों इसके रिव्यू की वीडियो बनाने के बाद मैं आपको ये फोन गिव अवे आप में से ही किसी एक बंदे को करने वाला हूं। और दोस्तों इसके गिव अवे की श्योरिटी के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में एक वीडियो देने वाला हूं कि कौन इसके नए ओनर होने वाले हैं। तो दोस्तों इस फोन को लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो दोस्तों ये फोन मैं नेक्स्ट वीक गिव अवे करने वाला हूं। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी वीडियो पे। और दोस्तों एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी और मैं पिछले जितने भी वीडियो बना रहा हूं कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, तो जितने भी मैं फोन आपको बताता हूं कि इस मंथ में ये फोन रिलीज होने वाले हैं, उसकी 98% एक्यूरेसी होती है कि वो फोन उसी मंथ में रिलीज होगा। जैसे कि पिछले महीने मैंने आपको बताया था कि ओप्पो F17 सितंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा और रियलमी 7 भी इसी फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में रिलीज हुआ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बढ़ता हूं अपनी फटाफट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको सारे फोन की डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से फोन की क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है और कौन सा फोन कब आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी देता है हमारे स्मार्टफोन्स में। तो दोस्तों यहां पर हमें एप्पल देखने को मिल जाएगा सितंबर के मंथ में, हालांकि उसकी सेल स्टार्ट होगी शायद अक्टूबर के एंड में, लेकिन हमें इसका जो फोन का टीजर वगैरह हमें सारी चीजें देखने को मिल गई हैं। और दोस्तों इसी के साथ इसका लुक भी हमें देखने को मिल गया, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख लोगे, ऊपर आई लिंक में आप देख लोगे इसका टीजर की कैसा है फोन हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट फोन की। तो दोस्तों यहां पर माइक्रोमैक्स कर रहा है कमबैक, वापस इंडिया में अपना नए दो स्मार्टफोन्स लेकर आ रहा है और इन दो स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन तो जरूर जरूर हमें इस सितंबर महीने में हमें देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आया है अपने कुछ नए प्रॉमिसेस के साथ कि इस बार यूजर्स को देने वाले हैं ये बहुत अच्छी सर्विसेज और इसी के अलावा फोन में कोई प्रॉब्लम हमें इस बार देखने को नहीं मिलने वाली है कि जो पिछली बार प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती थी। पिछली बार लास्ट इनकी बैड सर्विसेज की वजह से इनकी कंपनी इतना नीचे चली गई थी, तो दोबारा ये अपनी इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं अगर अपनी तरफ से चाहूंगा कि इसमें हमें जो फोन हमें देखने को मिलने वाला है वो फोन कम रेंज में और हमें अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिलता है, तो ये फोन हम जरूर लेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन पोको की। तो दोस्तों पोको M2 Pro के भाई पोको M2 भी रिलीज होने वाले हैं 8 सितंबर को इंडिया में। तो दोस्तों जैसे ही ये रिलीज होंगे उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिल ही जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो स्पेसिफिकेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अभी हमें नहीं पता चली है, जो कुछ पता चला है कि 720G जो सेम चिपसेट होने वाला है वही चिपसेट इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, 5000mAh की बैटरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं इसके बेजल लेस कुछ कम होने वाले हैं पोको M2 में। तो दोस्तों जैसे ही रिलीज होगा तो बिल्कुल इसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी सामने आई जाएंगी, तो मैं आपसे एक्यूरेट होके बात करूंगा। और दोस्तों सैमसंग M51 की कुछ बातें चल रही हैं, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि M51 भी रिलीज होने वाला है, हालांकि अभी M31 और M31S भी अभी रिलीज हुआ है। तो मेरे ख्याल से सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमें सैमसंग M51 देखने को मिल जाएगा, और जो कि ये अब तक का सैमसंग का सबसे बेहतरीन फोन रहने वाला है जहां तक इसके स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़िया इसकी स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलने वाली है। और जैसे कि पहले आपको अनबॉक्सिंग की वीडियोस आपको देखने को मिली है, ऐसे ही M51 के आते ही मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। और दोस्तों सैमसंग की ही बात चल रही है, तो सैमसंग का फैन एडिशन है या फिर सैमसंग की लाइट एडिशन आप कह लें या फिर आप सैमसंग की FE एडिशन आप कह लें, तो दोस्तों ये फोन भी हमें सेप्टेम्बर में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी, क्या प्राइस सेगमेंट रहेगा और इसकी कैसी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है, वो भी दोस्तों जैसे ये फोन रिलीज होगा तो उसकी एक फुल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं यहीं पर नेक्स्ट ब्रांड की बात करूं तो वन प्लस की साइड से भी हमें एक नया फोन देखने को मिलने वाला है। बात करें वन प्लस 8T की या फिर नोड लाइट की, तो एक या तो स्मार्टफोन बजट फोन हमें देखने को मिल जाएगा जो कि नोड लाइट होने वाला है, या फिर इसके अलावा 8
टी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसका भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा फोन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें वन प्लस की तरफ से एक फोन जरूर इस महीने हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत श्योर है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ब्रांड की। तो हमें यहाँ पर बात चल रही है रेडमी के 30 की। तो दोस्तों हमें यहाँ पर रेडमी के 30 इसी मंथ सेप्टेम्बर में हमें देखने को मिल सकता है। इसकी प्राइस रेंज हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल रही है 22,000 से 25,000 के बीच में। और दोस्तों अगर रेडमी की बात चल रही है तो यहाँ पर Xiaomi Redmi की भी बात मैं अगर आपको यहीं पे बता दूं तो Xiaomi Redmi 9A भी इसी सितंबर मंथ में हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि रिलीज हो जाएगा 4-5 तारीख को इसी मंथ में। और दोस्तों ये रहेगा देश का फोन जो कि बहुत ही ज्यादा बजटेड फोन रहेगा, आई थिंक 10,000 के आसपास की इसकी प्राइस सेगमेंट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारे नेक्स्ट ब्रांड फोन की बात करें तो हमें यहाँ पर Realme की तरफ से X3 Pro हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि इनकी फ्लैगशिप कैटेगरी का इनका ये फोन है, जिसमें हमें देखने को मिल जाएगा 865+ का प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट की स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये फोन हो गया है कंफर्म, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ पर हमें इसका टीजर देखने को मिल गया है और इसका इसी मंथ में हमें यहाँ पर ये फोन हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कि लिस्ट कितनी लंबी हो गई है सेप्टेम्बर मंथ में जितने भी फोन रिलीज होने वाले हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो का सबसे लास्ट फोन Asus ZenFone 7 और 7 Pro हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसी मंथ में, जिसकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है 865+ का प्रोसेसर और 90 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें 5000 एमएच की बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी और 30 वोल्ट का फास्ट चार्जर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये मिड सेप्टेम्बर में रिलीज हो जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों इस अपकमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में सिर्फ यही फोन थे, जो भी फोन रिलीज होगा उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोको M2 Pro की। पोको M2 Pro आप ही में से किसी एक का होने वाला है। नेक्स्ट वीक मैं आपको बता दूंगा कि ये फोन किसको मिलने वाला है। इस फोन को मैं लेके आया था पिछले हफ्ते, रिव्यू के बाद मैं आपको इस फोन को दे दूंगा। और इस फोन को हासिल करने के लिए आपको करना पड़ेगा सिर्फ 3 चीजें फॉलो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड वीडियो को जाके लाइक करना है, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कमेंट सेक्शन में जाके सबसे यूनिक बात बतानी है पोको M2 Pro के बारे में। जो भी मुझे सबसे यूनिक लगेगा उस बंदे को ये फोन मिल जाएगा 100%। और दोस्तों प्रूफ के लिए उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा कि इस बंदे को ये फोन मिला है। नेक्स्ट वीक मैं आपको इसका रिजल्ट भी बता दूंगा कि क्या इसका रिजल्ट आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।